और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुपर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की जान लीजिए। फैसला लिया है बच्चों के हितों को देखते हुए पीएम ने ये फैसला लिया है। आज जो हाई लेवल मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग जी हाँ, बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दसवीं और बारहवीं देने वाले बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों के लिए, इन परीक्षार्थियों के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी और बोर्ड के सचिव ने एक अहम बैठक की है, जिसके माध्यम से बोर्ड ने बच्चों के रिजल्ट की डेट की घोषणा कर दी है। बहुत ही जल्द बच्चों का रिजल्ट आने वाला है। तो सबसे पहले हम बता दें आपको, ज्यादातर सभी राज्यों की बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो चुकी है और इनका अब रिजल्ट आना। दसवीं में करीब 29 लाख और बारहवीं में करीब 25 लाख छात्रों ने पेपर दिया। दसवीं और बारहवीं के नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, मूल्यांकन केंद्रों पे 252 मूल्यांकन केंद्रों में कॉपियों की चेकिंग हो रही है और दसवीं और बारहवीं के नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे। इसको लेकर हमारे जो बोर्ड के सचिव है, इन्होंने एक हाई लेवल बैठक की है, जिसके माध्यम से बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए डेट की घोषणा कर दी गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं जिसके तहत आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके कारण ये बहुत ही बड़े फैसले का ऐलान कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया और इसका इंतजार लाखों छात्रों का, ठीक है, इस रिजल्ट का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी होने हैं जिसके कारण आचार संहिता लग जाएगी। तो बच्चों को यही डर है कि रिजल्ट पहले आएगा कि बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, बोर्ड ने अभी रिजल्ट की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि रिजल्ट आप uprizalt.nic.in वाली वेबसाइट से चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो रिजल्ट आएगा कब ये भी हम आपको बताएंगे, आप देखते चलिए वीडियो। सबसे पहले बता दें, 50 लाख से ज्यादा छात्राओं ने बोर्ड की परीक्षा के लिए आवेदन किया। करीब 4 लाख अभ्यर्थियों ने बोर्ड की परीक्षाएं छोड़ दी। हाई स्कूल में करीब 25 लाख और इंटरमीडिएट में करीब ये संख्या 22 लाख रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि रिजल्ट आप निकाल कैसे पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए प्ले स्टोर पर जाना है, यूपी रिजल्ट के सर्च कर देना। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह के एप्स के इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगी। सिंपली ऊपर वाले ऐप पे आपको टैप कर लेना है। देख सकते हैं आप, यूपी रिजल्ट 2023-24 करके आपको ऐप आएगा। आपको क्या करना है, सिंपली इस ऐप को क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। इसके लिए केवल आपको अपना प्रवेश ढूंढ कर रखना है, क्योंकि केवल विद्यालय कोड और आपका रोल नंबर मांगेगा। आप चाहे दसवीं के हो चाहे बारहवीं के, इतना ही मांगेगा। आपको क्या करना है, इसमें भर के जब आप सबमिट करेंगे तो रिजल्ट खुल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है।